जी डिस्कस करते हैं जो पंजाब लेक्चरर का पेपर हुआ है ना 11 जुलाई 2021 को, तो वो डिस्कस करते हैं इसके आंसर की, जिससे एस्टिमेट हो जाएगा कि कितने का नंबर जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो कुछ क्वेश्चंस में डाउट हैं, बट उनके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इन्होंने बोला है कि जो इनमें से वन ओड आउट है वो इनमें से अलग करना है। तो हमें पता है ए मेथड, सी मेथड और पाश्चे जो मेथड डी मेथड है, ये सभी इंडेक्स नंबर के लिए यूज़ होते हैं, बट ये बी ऑप्शन जो है इसका आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो कट करना पड़ेगा। देन सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा मेथड है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो फिशर मेथड है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। देन सर्कुलर टेस्ट की बात करें तो सर्कुलर टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चारों ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा यहाँ पे। देन स्प्लिसिंग मेथड की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। यूजिंग फॉर अनेबलिंग कंपैरिजन किया जाता है इसमें न्यू एंड ओड इंडेक्स नंबर के बीच में, तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो राइट होगा यहाँ पे। देन हम फिफ्थ की बात करें तो इसमें जो है बेस नंबर क्यों चेंज किया जाता है इंडेक्स नंबर में, तो ये बहुत पुराना हो जाता है सो चेंज किया जाता है इसे, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा यहाँ पे। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें एक तो ये इसे हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, तो ए ऑप्शन भी ठीक है और इसका जो बी ऑप्शन है वो भी सही है, तो यहाँ पे डी आंसर जो है राइट होगा यहाँ पे। क्लियर। देन हम सेवन्थ की बात करें तो इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा मेथड है जो यूज़ नहीं होता। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन सा मेथड यूज़ नहीं होता, तो देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे। ठीक है, देन अगर हम बात करें इसमें फैमिली बजट मेथड की और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड की अगर हम बात करें, तो देखिए फैमिली बजट भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फैमिली के अकॉर्डिंग खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने तो सीपीआई देखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना है, तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम फैमिली बजट को भी एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि वो क्या क्या जो है कौन कौन सी प्रोडक्शन का यूज़ कर रहा है और प्लस उनका खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, कौन सा वो प्रोडक्ट ले रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो भी ठीक है, इसका डी ऑप्शन अगर हम लगाएं तो डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं आएगा। देन अगर हम बात करें एट्थ क्वेश्चन की, तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है इसमें क्या होता है कि इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं प्राइस लेवल में चेंज आने से जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जो भत्ते जो इन्हें मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम ए ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। देन अगर हम बात करें इंडेक्स नंबर की, तो हम कौन सी टर्म को कैलकुलेट करते हैं, तो हम प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। टेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए एलपीजी का अगर देखें यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। देन यहाँ पे इलेवंथ क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इलेवंथ में आपसे क्या पूछ रहे हैं, वट इज़ ट्रू फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के अकॉर्डिंग, कौन सी बात सही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो देखिए मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद जो है जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली की बात करें तो दो इसमें आएंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक। क्लियर, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। इसके बाद IMF की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये तो सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है, मतलब ये तो फुल फॉर्म आप सभी को पता है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देन यहाँ पे बात सोचने वाली है कि ये क्या पूछ रहा है, कब ऑपरेशन में आया था, तो ये 1 जनवरी 1995 को ऑपरेशन में आया था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर WTO का कहाँ पे है, वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 17th की अगर हम बात करें WTO की, ठीक है, तो WTO के अकॉर्डिंग जो है किसकी जगह पे आया था, तो वो गेट की जगह पे आया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और अगर हम यहाँ पे नेबार्ड की बात करें, कौन सा आंसर यहाँ पे नेबार्ड के अकॉर्डिंग ठीक है, तो देखिए
एक तो फुल फॉर्म इसकी बिल्कुल राइट दी हुई है, देन ये रेगुलेटरी बॉडी है ये भी सही है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है, देन इसका ऑल ऑफ अबव आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसके बाद नेबार्ड जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो 1982 में एग्जिस्टेंस में आया था। और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि सोर्स ऑफ रूरल फाइनेंस, तो देखिए कोऑपरेटिव बैंक है, कॉमर्शियल है, रीजनल रूरल बैंक है, सभी से जो है रूरल फाइनेंस अवेलेबल होता है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा यहाँ पे। देन इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसे सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 22 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था। देन 25th अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो शक्तिकांता दास ही थे यहाँ पे, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आप चेक कर लीजिएगा ये पूरा क्वेश्चन भी, लिख के आप जब सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, शक्तिकांता दास ही थे। इन्होंने पूछा ना 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम, ये आप जरूर लिखिएगा जब आप सर्च करो स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2018, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें जो स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2019 से पूछ रहे हैं, तो सीतारमन जो है इसका निर्मला सीतारमन आंसर राइट है, यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। देन इसके बाद अगर हम वेयर हाउस की बात करें तो वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। इसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स फॉर फूड कॉरपोरेशन इंडिया, तो देखिए ये पंजाब गवर्नमेंट ने फाउंड नहीं किया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा, मतलब सी ऑप्शन कट हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा यहाँ पे। इसके बाद ये बुक का नाम इन्होंने पूछा है किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया। इसके बाद जो है मैक्रो माइक्रो से भी दो तीन क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए थे, तो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है कि किसके बारे में स्टडी की जाती है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है, तो डी ऑप्शन इसमें से राइट होगा। लॉ ऑफ डिमांड डिस्प्यूट द रिलेशन बिटवीन, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो ये प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि जो हेक्सोजीनियस वेरिएबल्स हैं वो कौन से होते हैं, तो वो आउटसाइड वेरिएबल होते हैं, मतलब ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने पूछा है मतलब ये जो मार्शल के इन्होंने प्रॉपरली डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन इनविजिबल हैंड के बारे में पूछा है, ठीक है, तो इनविजिबल जो हैंड है वो किसने दिया था, अल्फर्ड मार्शल ने, पिगू ने, या फिर एडम स्मिथ ने, या एल रॉबिसन की बात हो रही है। तो अगर हम फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनविजिबल हैंड है उसका मतलब होता है कि बिना गवर्नमेंट के अपने आप एडजस्टमेंट हो जाना, है ना, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले एडम स्मिथ ने बोला था, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद अगर हम 33 क्वेश्चन की बात करें तो लेजिस फेयर पॉलिसी, मतलब बिना गवर्नमेंट के अगर हम बात करें तो ये बात जो है यहाँ पे कौन सा इसमें से रोंग है, तो ये बात केन्ज ने बिल्कुल नहीं बोली थी, तो इसका आंसर बी आएगा, क्योंकि जो केन्स थे वो गवर्नमेंट इंटरफेयर की तरफ थे, बाकी सारे जो क्लासिकल थे वो लेजिस्फेयर पॉलिसी की तरफ थे बिना गवर्नमेंट के, ठीक है। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की यहाँ पे बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कहते हैं कि चेंज होने से, टोटल यूटिलिटी में चेंज होने से रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद 35th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज़, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्या आएगा यहाँ पे आंसर, मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इफ़ ऑफर्ड फॉर ए सेल एट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्राइस के ऊपर जो ऑफर किया जाता है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 36th का डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। देन अगर हम बात करें
विच ऑफ द फ्लोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड की बात करें तो प्राइस डिमांड भी होता है, इनकम डिमांड, देन क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड भी होती है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फ्लोइंग इज रोंग, कौन सा इनमें से रोंग है वो आपने देखना है। तो यहाँ पे खुद सोचिए, एक तो ये डाउनवर्ड होता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होंगे, बी ऑप्शन भी ठीक है। देन अगर हम सी की बात करें तो सी ऑप्शन भी ठीक है। ए ऑप्शन में लिखा है कि ऑलवेज डाउनवर्ड, तो ऑलवेज डाउनवर्ड नहीं होता, ठीक है, ये कुछ केसेस में अपवर्ड भी होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। देन गिफन पैराडॉक्स की बात करें तो गिफन पैराडॉक्स में क्या होता है, व्हेन द डिमांड कर्व इज राइजिंग, ठीक है, तो जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। इसके बाद गिफन गुड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, गिफन गुड्स में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होने पे, ठीक है, इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 41 क्वेश्चन के, ठीक है, ए मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच, तो मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो जो डिसीजन है प्रोडक्शन का, इन्वेस्टमेंट का, वो डिटर्मिनेट होता है डिमांड एंड सप्लाई से। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 42 क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग्स ट्रू फॉर मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देखिए, मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 43 क्वेश्चन की बात करें तो डिमांड में चेंज किस वजह से आता है, ठीक है, तो इनकम में, वेदर में चेंज होने से या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने से चेंज आएगा डिमांड में। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आएगा यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने पूछा है टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा है, तो प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड फॉर अदर आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। समझ रहे हो ना, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद 45 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 45 में ना नोबल प्राइज जो है सभी को मिला हुआ है, अमर्त्या सेन को भी, अभिजीत को भी और स्टिंगलिस को भी मिला हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, इन्होंने पूछा है कि मोर, अगर कंज्यूमर जो है प्रेफर कर रहा है मोर को, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक श्योरिटी तो यही हो रही है कि नो सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, बट काफ़ी स्टूडेंट का व्यूज़ यही है कि इसका आंसर सी आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी डाउट बनी हुई है, बट यहाँ पे अगर हम मान के चलें तो मेरे अकॉर्डिंग ये बी ऑप्शन होना चाहिए था, बट बाकियों के ऑप्शंस अगर देखें तो उनका जो व्यूज़ है यहाँ पर भी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी डाउट है, बट देख लेते हैं, चलो बी ऑप्शन एक बार यहाँ पे टिक करें, अदरवाइज़ देख लेते हैं क्या बनता है इसका आंसर। इसके बाद 47 की अगर हम बात करें विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर इंडिफरेंस कर्व, कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो देखिए डाउनवर्ड भी वो होती है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन भी ठीक है, इंटरसेक्ट भी वो नहीं करती आपस में तो बी ऑप्शन भी ठीक है, कॉन्वेक्स भी वो होती है ना, तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, जो डी है वो यहाँ पे आंसर आएगा, मतलब बाकी सारे सही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें कौन सा यहाँ पे सही होगा मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आएगा। अब क्यों आएगा, देखिए इट शो हाउ मच ए वन कमोडिटी सब्सटीट्यूटेड फॉर हाउ मच अदर, दू अगर हम एक कमोडिटी ले रहे हैं, ठीक है, एक्स कमोडिटी बाय कर रहे हैं तो वाई की हम कितनी छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन भी ठीक है। देन ये बोल रहा है इट शो दैट व्हाट रेट द कंज्यूमर विलिंग टू सब्सटीट्यूट, कंज्यूमर कितना वो विलिंग है सब्सटीट्यूट करने के लिए, तो ये भी हम लोग इसमें मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। और इसके बाद स्लोप, ये अगर हम MRS की बात करें तो ये स्लोप भी होती है ना, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा। इसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी है, पॉल सैमुएलसन ने, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। रिवील्ड प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो अनकंसिस्टेंसी, इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा यहाँ पे। देन अगर हम बात करें 51 क्वेश्चन के, ठीक है, 51 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा आपसे, जस्ट वन मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, एक पिक थोड़ी यहाँ पे सही नहीं है। देखिए इंडिफरेंस कर्व मैप की बात हो रही है, तो डिफरेंट डिमांड कर्व
या फिर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 51 जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। तो अगर आपने प्रॉपरली आंसर देखने हैं तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगी बट थोड़ा ध्यान से, है ना। इसके बाद 42 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द पॉइंट वेयर इंडिफरेंस प्राइस लाइन इज टेंजेड टू ए इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज, ठीक है। तो इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो 52 का बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। देन ए चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी दैट कोज ए चेंज इन द डिमांड फॉर अदर, तो इसका क्या होगा आंसर, क्रॉस डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें इनकम इलास्टिसिटी की, अगर हम बात करें तो इनकम इलास्टिसिटी में बी ऑप्शन सही होगा, मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पोटेंशियल बायर टू द चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज होता है उसे हम इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। देन अगर हम बात करें इसके बाद है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो इसका ए ऑप्शन होगा, ईच फर्म जो है या फिर ईच कंज्यूमर है वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है ना, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। इसके बाद 56 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं, ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट आएगा यहाँ पे। इसके बाद डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग जो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस में चेंज देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। तो जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट, एंड इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अगर हम मोनोपोली पावर चेक करते हैं तो प्राइस और एमसी में डिफरेंस चेकआउट करते हैं। इसके बाद चूज द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो अगर हम बात करें तो देखिए बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, उन्हें शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में तो फिर भी उन्हें प्रॉफिट होंगे, एक फर्म को क्या होंगे, शॉर्ट रन में प्रॉफिट होंगे, बट लॉन्ग रन में जो है वो क्या होगा, वैनिस हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये मोनोपोली की कंडीशन होती है, ठीक है, मोनोपोली की कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें भी इम्परफेक्ट कंपटीशन आ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन आएगा वहाँ पे तो बिल्कुल ही कट कर देना आप लोग, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा यहाँ पे, और बी भी बिल्कुल कट हो जाएगा। फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिक और इम्परफेक्ट की बात हो रही है, बट मोनोपोली को हमने सबसे पहले चूज़ करना है, तो मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ सी में गिवन है। इसके बाद इन्होंने पूछा जहाँ पे सिर्फ वन बायर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो मोनोपसोनी बोलते हैं उसे, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बाइलेटरल में क्या होता है, एक ही खरीदने वाला होता है और एक ही बेचने वाला होता है, सो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद फैक्टर प्राइजिंग डिटरमाइन दी, जो फैक्टर प्राइस है वो क्या डिटरमिनेट करता है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है शेयर होता है उनका नेशनल आउटपुट में, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर डिपेंड ऑन, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखिए पर रियल इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है, नॉमिनल उनको वेज क्या मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो रियल वेज सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द डिमांड फॉर फैक्टर, ये क्या होती है, ड्राइव्ड डिमांड होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ड्राइव्ड डिमांड होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद 66 में क्या पूछ रहा है, जो फ्यू कम्पिटिटिव जो फर्म होती है वो किस में होती है, तो वो ओलिगोपोली में होती है, ठीक है, ओलिगोपोली में होती है। इसके बाद 67 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी डाउट है। तो देखिए इसका ए ऑप्शन तो है ही है, 100% श्योर है कि ए ऑप्शन तो राइट होना था, बट अगर हम बात करें ना लेबर की सप्लाई की, तो उसमें क्या होता है, देखिए जो लेबर की सप्लाई है वो ये भी चेक आउट करती है कि हमें पर डे के अकॉर्डिंग, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करने के लिए मिल रहे हैं। अगर उन्हें सिर्फ 1 आवर के लिए काम मिल रहा है तो कुछ ऐसे होंगे
लेबर जो काम करना पसंद नहीं करेंगे, अगर उन्हें फुल टाइम काम नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। देन अगर हम बात करें कि कितने दिनों के लिए उन्हें काम मिल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे ये मानना है कि डी ऑप्शन जो है वो आंसर आना चाहिए था, समझ रहे हो ना। क्योंकि सपोज कीजिए, खुद के ऊपर लेके देख लीजिए, अगर आपको 1 वीक के अंदर, ठीक है, 1 वीक के अंदर सिर्फ 2 दिनों के लिए काम मिल रहा है, तो ऑब्वियस है आप ये सोचोगे ना, इस काम से बेटर है मैं दूसरा काम चूज़ करूँ, है ना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो है ही राइट। देन हम ये भी देखते हैं कि हमें अगर एक दिन में 12 घंटे काम करना पड़े तो हम वो ऑफ़र नहीं लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 6 घंटे या 8 घंटे काम करना पड़े। तो डिपेंड करता है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग भी अपना सेट करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि डी ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आना चाहिए। देन अगर हम बात करें यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने दिया था, एक्सप्लोइटेशन किसने दिया था, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। वेज जो है वो किस तरह से डिसाइड होते हैं, तो क्यों होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देखिए वर्कर जो है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी जो है वेज डिपेंड करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन भी यहाँ पे राइट होगा। देन कॉजीरेंट की अगर हम बात करें तो वो मार्शल ने दिया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ये जो बुक का नाम दिया हुआ है ये केंज ने 1936 में दी थी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे वो एग्रीगेट देखता है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। एग्रीगेट मतलब ऑल ओवर लेता है ना। इसके बाद इसमें कौन से जो मेजर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में बात की जाती है, तो ऑल ऑफ जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए टैक्स के साथ कौन सी पॉलिसी रिलेटेड है एक्सपेंडिचर के साथ, तो वो फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग और फैक्टर वैल्यू, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न है ना। तो देखिए अगर हमने जहाँ तक नेशनल इनकम की बात की है तो वो हम फैक्टर प्राइस के ऊपर चेकआउट करते हैं, ठीक है, बट अब भी जो है काफ़ी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो नेशनल इनकम है मार्केट प्राइस के ऊपर जो है चेक की जाती है, तो इसमें थोड़ी डाउट है। तो इसमें हम 50-50 मान लेते हैं, ठीक है, 50-50 मानेंगे, बट मोस्टली जो व्यूज़ है वो ए की तरफ जा रहे हैं। तो आप अपना ए ऑप्शन एक बार मान के चलिएगा कि मार्केट वैल्यू के ऊपर देखी जाती है, बट हमने जहाँ तक जो भी आप जहाँ से भी चेक करो कि नेशनल इनकम के बारे में, तो वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर चेक की जाती है। बट कन्फ्यूज़न तब क्रिएट हो रही है कि अब बोला जा रहा है कि मार्केट प्राइस के ऊपर जो है नेशनल इनकम चेक की जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा चेक करने वाला है, बट आप अपना एक बार जो ऑप्शन है वो ए को मान के चलेंगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें 76 में, तो यहाँ पे जो है टू सेक्टर की बात हो रही है, तो टू सेक्टर के अंदर ए ऑप्शन होगा हाउस होल्ड बिजनेस फर्म होती है, ठीक है, क्योंकि टू सेक्टर मॉडल में हम फॉरेन को नहीं लेते, ना ही हम गवर्नमेंट को लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और दूसरा जो है प्रोड्यूसर होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। देन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की अगर हम बात करें तो पर्सनल टैक्स को माइनस करते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र पेमेंट कौन सी होती है, तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, ये भी आंसर राइट है। अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके ऊपर हमें भत्ते वगैरह मिलते हैं, ओल्ड पेंशन है वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट का हिस्सा है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव आएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव आएगा। देन अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा इसमें से अनकरेक्ट है, तो इसमें से जो अनकरेक्ट है अगर हम स्टॉक और फ्लो की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी होगा, ठीक है, देयर इज़ ए टाइम डिमेंशन, है ना, नहीं सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो सी होगा, ठीक है, इन्होंने लिखा है ना कि टाइम डिमेंशन, देयर इज़ नो टाइम डिमेंशन इन फ्लो, तो ये बात गलत है, ये मैंने चेकआउट किया था, तो टाइम डिमेंशन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आना था, सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा आंसर। एवरेज प्रोपेंसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज प्रोपेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग रेशियो देखते हैं, ठीक है, रेशियो देखते हैं,
तो उसमें हम लोग चेंज नहीं देखते, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, तो कंजम्पशन और इनकम में चेंज हम लोग नहीं लेते। एवरेज प्रोपेंसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें रेशियो लेते हैं हम लोग कंजम्पशन और इनकम के। अगर मैं बात करूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसमें हम लोग रेशियो लेते हैं, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, बट एवरेज प्रोपेंसिटी में हम लोग जो है रेशियो नहीं लेते यहाँ पे। तो इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए था, यहाँ पे बी आंसर जो है यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो बी होगा, ठीक है, बी होगा, क्योंकि इसमें हमने चेंज नहीं लेना। बट जब हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी लेते हैं ना, तब हम चेंज देखते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसके बाद 83 की अगर हम बात करें, तो इन्होंने आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, विच अमंग द फ्लोइंग इज़ ट्रू फॉर केंजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, केंजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ही राइट हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकल नियम है, तो ए ऑप्शन भी सही है, और केंजियन जो थ्योरी है उसे एब्सोल्यूट भी बोला जाता है, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो डी ऑप्शन, हमारे सारे ऑप्शन ही ठीक हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी किसने दिया था, वो दिया था केंज ने दिया था, ठीक है। इसके बाद केंज के अकॉर्डिंग जो एफिशिएंसी है इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 86 में प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा है, तो इसके सारे ऑप्शन ही ठीक हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। उसे हम लोग एक्स एन टी भी बोलते हैं, इंडेटेड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, और एंटिसपेटेड भी बोलते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। द इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, तो उसे हम ऑटोनमस बोलते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। मार्जिनल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। क्यों होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि ये रिस्पॉन्स देखता है इन्वेस्टमेंट इज़ टू चेंज इन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रॉफिट में चेंज होने से, तो पर हम लोग जब हमने ये देखना है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा, देन इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा ना, तो उसका एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। देन अगर 86 की बात करें, तो यहाँ पे हिक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि जो गुड्स इक्विलिब्रियम मार्केट की अगर हम बात करें, तो वो किसने दिया था, हिक्स ने दिया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन ये जो क्वेश्चन है गुड मार्केट इक्विलिब्रियम वाला, लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। और इसमें अगर 91 की अगर हम बात करें, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो स्टीपनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिमांड कर्व एंड साइज ऑफ मल्टीप्लायर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देन 92 की अगर हम बात करें, तो शिफ्ट है, जो शिफ्ट हो रहा है आईएस कर्व में, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने से और इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जो है चेंज आएगा, टैक्स में चेंज आने से भी आएगा, तो 92 में डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आईएस कर्व में अगर चेंज आ रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट में और टैक्स में चेंज आने से जो है आईएस कर्व शिफ्ट करती है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन अगर हम बात करें एलएम जो कर्व है वो किससे रिलेटेड है, तो लेवल ऑफ इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स फॉर अपवर्ड स्लोपिंग एलएम कर्व, एलएम कर्व की अगर हम बात करें, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रोंग होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे रोंग है, ठीक है, सी ऑप्शन रोंग है। जब एलएम कर्व फ्लैटर होती है, जो इलास्टिसिटी हाई होनी चाहिए थी, हाई होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो एलएम कर्व इज फ्लैटर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी इज हाई, ये तो बात बिल्कुल सही है, इन्होंने फॉल्स के बारे में बोला ना, और इसके बाद एलएम कर्व अगर स्टिपर है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व विच लो होगी, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि एलएम कर्व विच फ्लैटर इफ़ द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज़ लो,
तो लो नहीं होती, वो हाई होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बट ये सी ऑप्शन है वो गलत होगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर सी आएगा यहाँ पे। इसके बाद 95th में क्या पूछ रहा है आपसे, विच अमंग द फ्लोइंग इज आर नोट जो है कंसल्टेड एज मोनिटरी फैक्टर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसका पार्ट नहीं है। देन अगर हम 96 की बात करें तो 96 में जो है इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल आएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने गुड मार्केट एंड इक्विलिब्रियम मार्केट में, इक्विलिब्रियम पूछा है ना आपसे, तो कहाँ पे डिटरमिनेट होता है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम इक्वल होते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन अगर हम बात करें IS कर्व की, अगर हम बात करें तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्यों होगा ए ऑप्शन, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है तो उसे रीस्टोर करने के लिए गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है। तो ये मैंने चेकआउट किया था, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद अगर हम 98 की बात करें तो 98 में यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो ISLM कर्व है ना, तो एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ता है जब सप्लाई स्टॉक में चेंज होने से, एडवर्स सप्लाई स्टॉक में चेंज होने से किन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एक को छोड़ना आपने, है ना, तो कंजम्पशन लेवल इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होना था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन अगर हम बात करें 99 क्वेश्चन नंबर की, तो इन्होंने पूछा आपसे ए सिचुएशन व्हेन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों होते हैं, तब वो क्या होती है, स्टैगफ्लेशन होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन्होंने पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये वॉयलेंट्री होती है, ठीक है, कहते हैं कि ए पर्सन इज अनएम्प्लॉयड डिस्पाइट अमंग विलिंग टू वर्क, वो काम करने के लिए तैयार है बट उसे काम नहीं मिल पाता, तो वो वॉयलेंट्री होती है, ठीक है, वॉयलेंट्री होती है। देन अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने लिखा है ना सेम लेंथ, तो लेंथ सेम होना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आएगा, लेंथ सेम होना ज़रूरी नहीं है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे लोअर टर्निंग पॉइंट, तो लोअर टर्निंग पॉइंट कौन सा होता है, ट्रॉफ होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। पीक की अगर हम बात करें तो पीक का मतलब क्या होता है, द अपर टर्निंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, अपर टर्निंग पॉइंट होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आएगा, पीक का मतलब क्या होता है, अपर टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बिजनेस साइकिल के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो इसमें जो है हमारा आंसर सी आएगा, पहले एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर ट्रॉफ आएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन इन्होंने पूछा है बिजनेस साइकिल में अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा, GNP जो है फॉल करेगी, अनवॉयलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन अगर हम बात करें विच अम द फ्लोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीव्ड बाय मॉनिटरी पॉलिसी, तो इनमें कौन सा जो ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो प्राइस अनस्टेबिलिटी का जो है नहीं होता यहाँ पे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो टैक्स इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने आपसे पूछा है अमंग द फ्लोइंग मॉनिटरी पॉलिसी इज कंसल्टेड विथ, किसके साथ कंसल्टेड होती है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, ये मनी सप्लाई के साथ रिलेटेड होती है, क्रेडिट के साथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे गए हैं, तो क्वालिटेटिव में कौन सा आंसर आएगा, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसमें नहीं आएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। देन अगर हम बात करें ए मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री प्रोवाइड लोन टू कॉमर्शियल बैंक, तो अगर सेंट्रल बैंक दे रहा है मतलब प्रोवाइड लोन टू कॉमर्शियल बैंक, तो वो रेपो रेट पे देता है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखिए अगर यहाँ पे मार्जिनल फैसिलिटी जो नहीं है, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अगर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका आंसर रेपो रेट ही आएगा। बैंक रेट तो नॉर्मल रेट होता है जो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को देती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए होना चाहिए, रेपो रेट आएगा। देन अगर यहाँ पे बोला गया है कि मंदी जब होती है, ठीक है, रिसेशनरी पीरियड है, तो CRR है वो क्या हो जाएगा, CRR जो है उसे रिड्यूस किया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो इसमें क्या होगा, ये क्या होती है, इसका आंसर जो है यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये दबी हुई महंगाई होती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो ये एकदम से जब इन्फ्लेशन को दबा दिया जाता है, बट बाद में वो विस्फोटक की तरह बाहर आती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन अगर हम बात करें अपोजिट कौन सा होता है, इन्फ्लेशन के अपोजिट कौन सा होता है, तो डिफ्लेशन होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछ रहा है आपसे, डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी है IMF के अकॉर्डिंग, तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन इसका पार्ट नहीं है, ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका इसके पार्ट हैं, बट सी ऑप्शन इसका आंसर नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात करें, तो ये सारे कारण ही अंडर डेवलपमेंट के हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद 2019 की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें GDP का कितना परसेंट था, तो वो 15% था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, क्लियर है ना, 15% इसका आंसर होगा। नियर अबाउट 13+ था, तो हम 15 को टिक करेंगे। तो GDP सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो वो टारगेट कब तक अचीव करना था, जो है ये 30 तक कंप्लीट करना था, 2030 तक जो है कंप्लीट करना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टैटिक्स इज हेल्पफुल, जो स्टैटिक्स है, देखिए अगर हम मान के चलें मोस्टली जो आंसर है वो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, बट इसका आंसर डी होना चाहिए था, क्योंकि स्टैटिक्स जो है वो काफ़ी हद तक केमिस्ट्री और जूलॉजी को भी कवर अप करती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी डाउट है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ये जो स्टैटिक्स है वो हेल्पफुल होती है, ठीक है, डिसीजन लेने में, बेटर डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। प्राइमरी डाटा की बात करें तो ए ऑप्शन डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सैम्पलिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, सिंपल एंड अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन अगर हम बात करें सैम्पलिंग एरर के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो सैम्पलिंग एरर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे जैसे सैम्पलिंग, एक मिनट, जस्ट सैम्पलिंग एरर के बारे में पूछा गया है ना, तो यहाँ पे सैम्पलिंग एरर कैन बी बायस्ड एंड अनबायस्ड, या फिर सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद इंक्रीज इन सैम्पल साइज़, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे सैम्पल साइज़ को इंक्रीज किया जाएगा, उसमें जो बायसनेस है या सैम्पलिंग एरर है वो कम होती जाएगी, ठीक है, वो कम होती जाती है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा यहाँ पे। देन पैरामीटर की अगर हम बात करें कि पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर क्या होता है, ये सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है, ये क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है, मतलब अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा पैरामीटर के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है आंसर इसमें से कौन सा सही है, तो अर्थमेटिक मीन जो है, जो सम है डेविएशन का, वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देन यहाँ पे इन्होंने मीडियन की बात की है, तो मीडियन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही होगा, मीडियन यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि आप या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे 5.5 / 2 आंसर आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप दो वैल्यूज सेलेक्ट होंगी, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू करोगे ना, सॉरी यहाँ पे जो आंसर है वो 5.5 आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग दो जो है यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट होंगे, तो आप दोनों को फिफ्थ एंड सिक्स्थ आइटम को ऐड करोगे और डिवाइड बाय टू करोगे, देन आपका आंसर डी आएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर पूछा जाए, इन्होंने क्या पूछा आपसे कि मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल होते हैं तब क्या होगा, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। पोजिशनल कौन से होते हैं, तो पोजिशनल में आपके मीडियन एंड मोड जो है वो पोजिशनल होते हैं, ठीक है, पोजिशनल होते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद 5-ईयर प्लान कब शुरू हुए थे, 1951 में शुरू हुए थे, तो इसका आंसर जो है 1951 आएगा। इसके बाद ये जो 5-ईयर प्लान है वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, तो हैरोड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं। इसके बाद खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, तो वो होती है पैडी, झोना, ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें रबी क्रॉप के बारे में, तो सितंबर अक्टूबर का महीना जो होता है हार्वेस्टिंग के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद मेन चेस्टर जो है सिटी कौन सी होती है, मेन चेस्टर सिटी की अगर हम बात करें मतलब पंजाब में वो कौन सी सिटी है, तो लुधियाना है। ठीक है, वो कौन सी है, लुधियाना है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। स्पोर्ट्स के लिए कौन सा है, स्पोर्ट्स के लिए जलंधर, तो सी ऑप्शन आएगा। लुधियाना किसके लिए फेमस है, तो होजरी और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आएगा। मशीनलाइज्ड एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। ब्लू रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। ब्लू रेवोल्यूशन क्या होती है, मच्छी पालन से रिलेटेड होती है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा यहाँ पे। इसके बाद जो है इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, का कौन सा मेजरमेंट नहीं है, तो बाकी सारे हैं बट ये डी ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद जो है स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो किसने दिया था। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो कार्ल पियर्सन ने दिया था, तो इसका सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे राइट। सी ऑप्शन आना चाहिए था यहाँ पे राइट। इसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है वो आपने बताना है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। देन अगर हम बात करें इनमें से कौन सा रोंग है, तो ये जो डी ऑप्शन है ना 6.87 जो इसकी वैल्यू, ये यहाँ पे सही है, 95 होती है, 68 नहीं होती, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन गलत है। कोफिशियंट ऑफ वेरियंस की बात पूछी गई है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद जो है चूज़ द करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। इफ़ वन वेरिएबल इज़ डिक्रीजिंग द अदर वेरिएबल जो है वो क्या करेगा, इनवर्स, मतलब कि अदर वेरिएबल एवरेज इज ऑल्सो डिक्रीज, तो ये कौन सा हो गया, इन्होंने बोला है नेगेटिव होगा, तो ऐसा नहीं होता, ये तो पॉजिटिव जा रहा है। देन इन्होंने पूछा इफ़ वन वेरिएबल इज़ डिक्रीजिंग द अदर वेरिएबल ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव की बात हो रही है ना, ये पॉजिटिव की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन में। देखिए फिर से बोल देती हूँ, इफ़ वन वेरिएबल इज़ डिक्रीजिंग, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, अदर वेरिएबल ऑल्सो डिक्रीज, तो ये नेगेटिव, बट ये तो पॉजिटिव बन गया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने करेक्ट पूछा ना, करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, वन वेरिएबल डिक्रीज, अदर वेरिएबल ऑल्सो डिक्रीज, तो ये फंक्शन है पॉजिटिव, तो बात सही है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। थर्ड में क्या बोल रहा है, कोरिलेशन वुड बी लीनियर इफ़ अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर ए कॉन्स्टेंट रेशो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, कोरिलेशन के साथ कौन रिलेटेड है, तो कार्ल पियर्सन जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द ट्रू फॉर रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन के साथ कौन रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी देखिए बी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। एक तो हम रैंक देने के लिए, देन स्पीयरमैन के बारे में, तो मोस्टली अगर हम चलें तो बी ऑप्शन सही है, बट इसका सी भी काफ़ी हद तक सही है, बट आप अपना बी मान के चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन 50-50% की है, बट मोस्टली बी की तरफ। ठीक है, आंसर जो है बी की तरफ रहेगा। फाइंड द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन जो है, अगर हम सिंगल वेरिएबल को लेके अगर हम बात करें, कंप्यूट करते हैं, तो यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर बोलते हैं उसे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन थे, तो मैं ये नहीं बोलती कि सारे के सारे करेक्ट आंसर यहाँ पे गिवन थे, बट हाँ हमने एक जो है एस्टिमेट लगाया है। ठीक है, एस्टिमेट है, तो यहाँ से आप अपना गेस कर सकते हैं कि कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो आप अपने आंसर की मैच कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।